हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल सेशन टू द पॉइंट इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग की यानी इलेक्शन कमीशन की। हम आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन भारत के संविधान में किस भाग में यानी किस पार्ट में है, कब हुई थी इसकी स्थापना और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक निहित है भारतीय संविधान में इलेक्शन कमीशन। बताएंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको बता दें भारतीय संविधान के भाग 15 चुनावों से संबंधित है यानी इलेक्शन कमीशन है भाग 15 में। एग्जामिनर आपसे पूछेगा निम्नलिखित किस भाग में है निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, वो देगा पार्ट 15, पार्ट 14, पार्ट 18, पार्ट 19। तो आपका आंसर होगा पार्ट 15। हम आपको बता दें भारत के संविधान में 22 पार्ट है जिनमें पार्ट 15 में है इलेक्शन कमीशन। वैसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें चुनाव के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी, इसलिए 25 जनवरी को हम मनाते हैं इलेक्शन डे। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग सदस्यों की शक्ति, कार्य, कार्यालय, पात्रता आदि से संबंधित है यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में है। 324 से 329 अक्सर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि इलेक्शन कमीशन किस भारत के किस अनुच्छेद में निहित है, तो आपका आंसर होगा 324 में। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।